Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. In this world, there are two kinds of people. एक तो ये दुनिया को सच मान करके इसी में रहना चाहते हैं और ये दुनिया में रहने का जो आनंद है वो वैसा ही है जैसे खुजली खुजलाने का आनंद है। जिसको भी खुजली हो जाती है खुजलाने में दुख नहीं होता, मजा आता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता, बना ही रहता है। तो एक प्रकार के लोग जगत को सत्यवान करके इसी में पूरा जीवन बिताते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो है जो इस जगत में रहते हुए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना प्रारंभ करते हैं और वो ये सीखते हैं कि आज तक हमने क्या किया। देखो, जब ये विचार मन में आता है तब पता चलता है कि हमने पूरे जिंदगी में अपने इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। एक इच्छा को पूरा करो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरा करो तीसरी खड़ी हो जाती है, इसका कोई अंत नहीं। और फिर इसमें आदमी बोर हो जाता है, फिर वो वृंदावन हाल में पहुंच जाता है और यहां आने के बाद क्या होता है ध्यान से सुनना। सत्संग में हमारी जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, हमारी धारणा अपने बारे में, हमारी धारणा दुनिया के बारे में, हमारी धारणा भगवान के बारे में, हमारी धारणा आध्यात्मिक साधना के बारे में, ये जो भिन्न भिन्न धारणाओं को लेकर हम चल रहे हैं उनका विश्लेषण होकर के ये पता चलता है कि गलती यदि कहीं थी तो यही थी। जिंदगी भर मैं आईना साफ करता ही रहा लेकिन मिट्टी चेहरे पर थी। देखो महाराज, और इसीलिए वेद शास्त्र के सत्संग में जब आते हैं तो यहां अपने धारणाओं को बदलने के लिए हम आते हैं। कई बार व्यक्तियों का यही विचित्र विचार होता है, हमने इतना भगवान का किया लेकिन हमको ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, आपने जो किया किसको जरूरत थी? हम भगवान को नहलाते हैं, क्या भगवान गंदे हैं? हम भगवान को नैवेद्य देते हैं, प्राणायाम स्वापान, वो क्या भूखे हैं? फिर ये तो आवश्यकता अपनी है। देखो महाराज, इसी प्रकार से जब हम कुछ करते हैं तो इसका प्रभाव किस पर आना चाहिए? जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने का प्रभाव खाने पर होगा कि खाने वाले पर होगा? हमने जाकर के भगवान को नमस्कार किया तो उसका प्रभाव भगवान पर होगा कि हम पर होगा? हमने किसी को किसी के बारे में बुरा सोचा, उसको पता भी नहीं है, तो उसके बुरे सोच का प्रभाव हमारे ही मन पर होगा, अन्य पर नहीं होगा। देखो महाराज, और इसीलिए हमको अपने जीवन में शास्त्र का अध्ययन चिंतन करना एक अत्यंत आवश्यक बात है। एक तो होता है धर्मशास्त्र, दूसरा होता है उपासना शास्त्र, तीसरा होता है अध्यात्म शास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? ये दुनिया को हम सत्य मानते हैं और उसके पश्चात हमको फिर शास्त्र बताते हैं कि दुनिया में कैसे रहना। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ये धर्मशास्त्र। अब जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या कि और भी कुछ है?
तो यहां से उठ करके फिर उपासना शास्त्र में आते हैं। उपासना शास्त्र में हम अपने से किसी अन्य को श्रेष्ठ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। जिसको हम अपने से श्रेष्ठ सामर्थ्यवान प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं उसको कहते हैं भगवान या अपने इष्ट देवता। अब जब हम किसी, समझो हम गरीब है, समझो क्यों भाई हम गरीब है, तो हम अमीर आदमी के पास जाएंगे कि गरीब आदमी के पास जाएंगे? अमीर के पास जाएंगे, किस लिए? उसे कुछ मदद मिले। और फिर अमीर आदमी से मदद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? उसकी तारीफ करेंगे। बाबू जी ये पूरे रायपुर में यदि धर्मात्मा यदि कोई है तो आपके जैसा न भूत हो न भविष्यति। नहीं नहीं ऐसे क्या बात है, हम तो बिल्कुल एक किम पदार्थ है, हमारे में क्या है? नहीं बाबू जी ये तो आपका बड़प्पन है, थोड़ा अमूल ट्रीटमेंट कर दिया। अच्छा आजकल क्या कर रहे आप? नहीं हम एक एनजीओ चला रहे हैं, उसके लिए 10 करोड़ की आवश्यकता थी। 10 करोड़ तो बहुत हो गया भैया। फिर अच्छा 9 करोड़ दे। माने हम जो उपासना करते हैं केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए और कुछ नहीं। अंदर जाके देखो, जब जब हम भगवान के मंदिर में गए हैं तो भगवान को कभी ये कहा कि हमने, हे भगवान मुझे केवल आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? कभी नहीं कहा। जो नमस्कार होता है ना, नमस्कार की लंबाई देह से और समय से उतनी ही होती है जितनी डिमांड की लिस्ट लंबी होती है। नमस्कार किया फिर उठ गए, अरे याद एक भूल ही गए थे, फिर दूसरा नमस्कार, ये 3 बार करते ना, इसीलिए करते हैं। तो हमारी उपासना केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने का नाटक है। तो जब तक हम इस जगत में रह करके इसको सत्य मानेंगे और इसकी इच्छा करेंगे तब तक हम संसारी हैं। संसारी शब्द की परिभाषा मुझे एक सज्जन ने बताई थी, बहुत अच्छी थी। बोले स्वामी जी आपको मालूम है संसारी किसको कहते हैं? अन्य मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं हूं तो मुझे क्या मालूम है। बोले संसारी माने यंग बॉय, हेल्दी, रिच, फ्री, इंडिपेंडेंट, thought what a life without a wife, therefore he caught hold of samsari and became a sari, samsari. जहां हमने अपने को अपूर्ण माना है और पूर्ण करने के लिए किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का आधार मानते हैं तब तक हम संसारी हैं। तो ऐसा जो संसारी है उसके लिए यह कर्म उपासना जिंदगी भर लगी रहे। अब दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जो अध्यात्म में प्रवेश करते हैं वो ये चिंतन करते हैं कि हमारे समस्या का कारण क्या जगत है, कोई अन्य व्यक्ति है या हम हैं, ये चिंतन चल रहा है। तो यदि सूक्ष्मता से चिंतन करें तो पता चलेगा हमारे जीवन के सभी समस्याओं का कारण केवल हम मात्र हैं और कोई नहीं। देखो हमको कई वयस्क व्यक्ति मिलते हैं, सबकी एक ही परेशानी, एक ही कहानी, वो यही है कि महाराज सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे ठीक है, उनका बिजनेस ठीक चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन पता नहीं मन बड़ा अशांत रहता है। अच्छा किसका, मेरा है आपका? नहीं नहीं नहीं, मेरा मन अशांत रहता है तो फिर मैं क्या करूं, मन तो आपका है। देखो महाराज जैसे जैसे हमारी चिंतन की सूक्ष्मता बढ़ती है हमको एक स्पष्ट बात हो जाती है कि सभी समस्याओं का समाधान केवल हमारी गलत धारणाएं हैं। ये गलत धारणाओं को मिटाओ और इसको ऐसे मिटावे कि नई धारणा का निर्माण न करे।
धर्म में, योग में, उपासना में एक धारणा को हटा करके दूसरी धारणा का रिप्लेसमेंट करते हैं। धर्म में पहले मैं मांस खाता था, अब मैं मांस नहीं खाता हूं, अब मैं गायों के साथ रहता हूं। मैं भी वैसा का वैसा ही है। पहले मैं भोग करता था, अब मैं योग करता हूं। मैं योग करते हुए पहले मैं सिनेमा देखता था, अब मैं मंदिर में जाता हूं। मैं जो कहते हो माने हमने एक धारणा को हटा करके दूसरी धारणा का प्रतिष्ठान किया है। ये वैसे ही एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए, वो करप्ट पार्टी है, ये इसमें करप्शन कर सकते हैं, उसमें नहीं कर। देखो महाराज, जैसे पॉलिटिशियन लोगों की कोई जाति नहीं होती, वे विचारी होते हैं, उसी प्रकार से ये जो धर्म उपासना योग में है ना, ये बदलते रहते हैं। पहले मैं अमुक था, अब मैं ऐसा हूँ, पहले मैं तमुक था, अब मैं ऐसा हूँ। अरे भैया, सभी की सभी समस्या मैं की है, हमको मैं से मुक्त होना है। यदि हम मैं से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आप चाहे कुछ भी करो, ये संसार बना रहेगा और आप दुखी बने रहोगे। और इसीलिए हमको भगवद गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। यहां हम पिछले कई सालों से गीता पर बोल रहे, इस समय हम जब आए तो हमने हमारे बॉस को पूछा, रायपुर के हमारे बॉस संदीप लड्डा है, हमने कहा बॉस बताओ मैं क्या बोलूं और गीता भी बोलूं, कौन सा अध्याय? बोले 15वां अध्याय। ठीक है, 15वां अध्याय। आपको सुखी रहना है ना, नेवर बी ए लीडर, बी ए फॉलोअर। कभी दुखी नहीं हो गया। एक बार एक शहर में एक दंपति था, मिस्टर मिसेस गुप्ता, और उनका एक विशेष स्थान था उस शहर में कि काफी बूढ़े थे दोनों पति पत्नी, 70 not out, 75 not out, और कभी भी किसी ने भी उनको झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। इसीलिए वो शहर के लोगों ने सोचा ऐसा आदर्श दंपत्ति, इनका हम सिविक रिसेप्शन करते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं। तो उनको बुलाए, सभी लोग इकट्ठे हो गए, गुप्ता गुप्ती दोनों आ गए स्टेज पर, और आने के पश्चात फिर उन्होंने पूछा कि हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे शहर में आपके जैसे दंपत्ति है। गुप्ता जी बताइए, आपके जीवन का ये बिना झगड़ा करने का क्या मूल मंत्र है ताकि हम लोग भी अपना भला कर लें। गुप्ता जी खड़े हो गए, गुप्ते की तरफ देखा, गुप्ते ने हाँ कहा, गुप्तारी शुरू हो गए, फिर शुरू कर दिया उन्होंने। हमारे जीवन का एक सिंपल सिद्धांत है, शी गोज हर वे, वो अपने रास्ते से जाती है, आई गो हर वे, मैं भी उसके पीछे जाता हूं। देखो महाराज, जहां तू तू मैं होती है ना, वहां यही चक्कर है। देखो हम यहां आए, हमको कहाँ रहना है हम थोड़े विचार करते हैं, फिर हमारे कपड़े कौन धोएगा, प्रेस करके कौन लाएगा, हम थोड़े विचार करते हैं, हमारा खाना हमको कौन कहाँ खाना देगा, हम विचार भी नहीं करते। अच्छा लगता है ना? तो कोई हमारे लिए विचार करे कि हमको क्या करना है, कितना अच्छा लगेगा? डोंट हैव टू थिंक, जस्ट फॉलो। देखो संतो, तो किसको फॉलो करे? शास्त्रों के सिद्धांतों को फॉलो करें। शास्त्र में जो बताया है, जैसे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाते, ये सबके लिए सामान्य होते। ऐसे नहीं होता कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग ट्रैफिक रूल और दूसरे कास्ट के लिए अलग ट्रैफिक रूल और माइनॉरिटी के लिए अलग ट्रैफिक रूल, नहीं, सबके लिए एक ही है।
देखो ऐसे नहीं कि जो उच्च जाति के है ब्राह्मण है उनमें 5 महाभूत है और जो नीच जाति के उनमें 2.5 है। देखो संत समझ लेना ठीक से, सबके लिए सामान्य है। तो जैसे जैसे हम इन चीजों को आत्मसात करेंगे तब पता चलेगा हमारे शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं कर रहे, ये मानव जाति को संबोधित कर रहे। देखो तो जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स किसी एक साइंटिस्ट का है क्या? फिजिक्स माने केवल न्यूटन का ही फिजिक्स है, बाकी की जो टनटनाटन है उनका क्या है? देखो महाराज, इसीलिए हमारे शास्त्र जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को संबोधित नहीं कर रहे, ये मानवता को संबोधित कर रहे। इस दृष्टि से यदि इसका चिंतन करें तो देखो आप में आमूलाग्र परिवर्तन अपने विचारों में आ जाएगा। अध्यात्म का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन करना। जहां अपने दृष्टि में परिवर्तन हो गया वहां आपके जगत के साथ व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो एक उदाहरण देते हैं। एक बार हम एक मंदिर में गए, बहुत ही सुंदर मंदिर था, मार्बल का बना हुआ, बिल्कुल पहले स्टेप से लेकर के केवल मार्बल ही मार्बल, बहुत ही सुंदर, एकदम क्लीन नीट चकचकाट। तो हम जब जा रहे थे तो देखा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, और सामने पहुंचे तो वहाँ एक सरस्वती माता का विग्रह था। तो जैसे सरस्वती माता को देखा हमने प्रणाम किया। अब ध्यान से सुनना, जिस पर चल रहे थे वो भी मार्बल था, खंबे वो भी मार्बल थे, लेकिन जहां सरस्वती के विग्रह को देखा उसमें मार्बल को नहीं देखा, उसमें सरस्वती को देखा। एकदम जैसे दृष्टि में परिवर्तन आ गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। देखो महाराज, यहां से अध्यात्म प्रारंभ होता, लेकिन हमारा चक्कर यही है कि मुझे जो ठीक लगता है वही ठीक है, मुझे जो समझ में आता है वही ठीक है। देखो एक सज्जन ने हमको पूछा, लड़के ने, स्वामी जी आपने भगवान को देखा क्या? तो हमने कहा भाई मुझे भगवान बताओ किसको कहते हैं। बोले भगवान भगवान को कहते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं भगवान को देखा क्या, तो जिसके बारे में पूछ रहे उसके बारे में क्या जानकारी है हमारी? तो हमारी भ्रांति क्या है, भगवान नाम की कोई वस्तु है और वो आंखों से देखी जाती है, तभी ऐसा प्रश्न आएगा। देखो इसीलिए अपनी जो गलत धारणाएं हैं उनको ठीक करने के लिए जीवन में शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। इसी के द्वारा विचारों में परिवर्तन आएगा। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। जैसे आप बड़ों की सेवा करते हो, घर की देखभाल करते हो, सब ठीक है, आवश्यक है, करना भी चाहिए, फिर मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, पूजा करते हो, उपवास रखते हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना मात्र नहीं, उसके आगे जा करके नित्य निरंतर चिंतन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना। ये तबला पेटी गाना गुना बजा करके कब तक करते रहोगे? और कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना है? यहां हमको बताते हैं, हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि हमारे जीवन में भगवद गीता है। जो ज्ञान की भिन्न भिन्न धाराएं हैं उसके बारे में हमारे यहां बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट है ज्ञान का वो है वेद या उपनिषद। फिर दूसरे नंबर पर आता है, इसको श्रुति कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्मृति ग्रंथ। तीसरे नंबर पर आता है पुराण, ये 18 है, स्मृति ग्रंथ भी 18 है। उसके बाद आता है चौथा इतिहास। इतिहास में आता है महाभारत और रामायण, 4 हो गए। और पांचवा आता है साधु संतों के लिखाण। ये 5 जो है ये ज्ञान के मूल स्रोत है।
तो यह जो ज्ञान के स्रोत है इसमें हमारी जो भगवद गीता है स्मृति ग्रंथों में आती है, और इसीलिए आप देखेंगे भगवद गीता के हर एक अध्याय के बाद एक लिखा हुई पुष्पिका मिलती है, उसमें बताते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। माने जो हमारी गीता है ये सभी उपनिषदों का निचोड़ है। अब ध्यान से सुनो, ज्ञान की पराकाष्ठा वेद, वेदों की पराकाष्ठा उपनिषद, उपनिषदों का संग्रह पराकाष्ठा भगवद्गीता, भगवद्गीता का संग्रह या निचोड़ भगवद्गीता का 15वां अध्याय। देखो कितना सॉलिड हो गया। तो जब हम भगवद्गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जितना जानने आवश्यक है उसमें सब कुछ आ गया है। हम सबको तो वेदों का अध्ययन करना संभव नहीं, हम लायक भी नहीं उसके, हमको सभी उपनिषदों का अध्ययन करना संभव नहीं है, हमको सभी इतिहासों का अध्ययन करना संभव नहीं है, हमको सभी पुराणों का अध्ययन करना संभव नहीं है, हमको सभी स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करना संभव नहीं है, लेकिन भगवद गीता के 15वां अध्याय तो कर सकते हैं, उससे शुरू कर दो। देखो इसके बारे में एक बताते हैं आपको। एक बार एक सज्जन हमको कहीं से फोन किए, कहते स्वामी जी मुझे आपसे मिलना है। मिलो अभी आ जाओ। बोले अभी तो नहीं आ सकता, जब मर्जी है तब आ जाओ। कहाँ हो तू? बोले मैं बेंगलोर में हूँ, उस समय मैं बम्बई में था। मैंने कहा जब मैं आऊँगा बेंगलोर तब मिल लेना। बोले नहीं मुझे अभी मिलना है। अरे फिर मैं क्या कर सकता हूँ बता। बोले मैं कल आ जाता हूँ सुबह फर्स्ट फ्लाइट से। मैंने आ जाओ, आ गए। और आके उन्होंने बताया स्वामी जी आपके प्रवचन में मैंने सुना था भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए, वैसा मैं अध्ययन पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और मुझ में जो परिवर्तन आया है ये बताना था मुझे आपको। फिर मैंने बताया यार मैंने क्या बताया, मैं तो भूल जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने बताया रोज एक अध्याय का केवल पाठ करना, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 18वें दिन 18वां, फिर पहला दूसरा, रोज एक एक अध्याय का पाठ करना, फिर एक अध्याय से शुरू करो, कोई भी अच्छी कमेंट्री ले लो। हम आपको एक सजेस्ट करेंगे, अपने गीता प्रेस की एक कमेंट्री है राम सुखदास जी महाराज की, गीता संजीवनी टीका, साधक संजीवनी टीका, उसको आप ले लो। पहला श्लोक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस पर जो भाष्य लिखा है महात्मा जी ने उसको पढ़ लिया, वो पढ़ने के बाद पुस्तक को बंद कर दिया, फिर पहला श्लोक हाथ से लिखो कॉपी में, धृतराष्ट्र वाच ध्रुव ध्रुव ऐसा लिखते, ऐसा लिखते कि ऐसा लिखते, संस्कृत में लिखो, फिर आपको जो समझ में आया है वो उस पर लिख दो। रोज ऐसा एक 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 श्लोक करना, धीरे धीरे 700 दिनों में आपकी अपनी भगवद गीता पर कमेंट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए पब्लिश मत करो, क्योंकि फिर से जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कितना घटिया लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शुरू तो हो गए ना, हम लोगों की कंडीशन पुरानी एम्बेसडर कार के जैसी, स्टार्टिंग ट्रबल, धक्का मारो शुरू हो जाओ, डोंट वरी। तो धीरे क्या होगा, आपके हृदय में गीता जी के प्रति प्रेम जागृत होगा, और यदि प्रेम जागृत हो गया तो फिर आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी। परेशानी का एक ही अर्थ है, हमारे हृदय में प्रेम की कमी है। देखो इसीलिए ये नित्य निरंतर करते जाओ। बोले मैंने वैसा ही किया। हमने क्या क्या परिवर्तन आया तुम्हारे जीवन में? बोले स्वामी जी
पहले मैं अपने से परेशान था, मेरे बच्चे परेशान थे, मेरा बिजनेस परेशान था, एवरीबडी वॉज फेड अप ऑफ मी, यहाँ तक कि मैं अपने आप से परेशान था। लेकिन जैसे अध्ययन किया तब मुझे समझ में आया कि सब परेशानी की जड़ मैं हूँ, बाकी कोई नहीं। उस दिन के बाद मुझ में परिवर्तन आना शुरू हो गया। देखो महाराज, और ये बात धीरे धीरे होती है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। इसीलिए ये अपना प्रण बना लो कि हमको ये 15वां अध्याय ले लो, अब हम ले रहे हैं इसको। या दूसरा ऑप्शन आपको देते हैं, आप अंग्रेजी जानते हो तो साइंटिफिक आर्ट ऑफ लिविंग करके 139 वर्सेस हमारे टॉक्स है, उसको आप नियम से सुनो। उसी टॉक को सुबह सुनो, शाम को सुनो, दूसरे दिन दूसरा टॉक सुबह और शाम, धीरे धीरे सुनते सुनते आप में बढ़िया परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और ये हमको अपने आप को करना है, कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस अवर स्पिरिचुअल लाइफ। देयर इज नो प्रॉक्सी, कोई अन्य व्यक्ति हमारे लिए नहीं कर सकता। उपासना में करते हैं लोग, पंडित जी जरा ऐसा करना, हमारे नाम से महामृत्युंजय का जप कर देना। अच्छा सेठ जी कर देंगे दक्षिणा, यार तुम लोग बड़े ग्रीडी हो, पैसा 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 ले रहा 125 रुपया, दूसरे को लगाया जप करने के लिए। जैसे सेठ जी टर्न हो गए, पंडित जी कह दे सेठ जी जप हो गया, इतने जल्दी हो गया, पर 125 रुपये में ऐसे मिलेगा? अध्यात्म में ये नहीं चलता, हमको अपने में परिवर्तन लाना है। इसीलिए एक हो गया धर्मशास्त्र, दूसरा हो गया उपासना शास्त्र, और तीसरा हो गया अध्यात्म शास्त्र। तो हम लोगों ने धर्मशास्त्र किया है, इसलिए यहाँ आने की बुद्धि हुई, उपासना भी करी है, इसीलिए भगवद गीता भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम आदर है, इसलिए यहाँ आ गए। तो आपका धर्म और उपासना अब फलित हो गई है, अब यहां से वापस मत जाना। यहां से आप इस गीता के श्रवण मनन चिंतन इसमें लग जाओ मुन्ना भाई, छोड़ो मत। ऐसा धीरे धीरे करते करते देखो कितना परिवर्तन आ जाता। तो ये 15वें अध्याय में आने के पहले 14 अध्याय तक क्या हुआ, तो भगवद गीता का प्रारंभ हम आपको बताते हैं। भगवद गीता का प्रारंभ हुआ है उनके जीवन में समस्या, अर्जुन के जीवन में समस्या निर्माण करी गई। ध्यान से सुनना, अर्जुन तो युद्ध करने के लिए आया था, तैयार था, तो क्या गड़बड़ी हुई? ये गड़बड़ी करी कन्हैयालाल ने, उन्होंने अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके सामने रख दिया और कह दिया, तुम जानना चाहते हो ना किससे युद्ध करना है, दुश्मनों से नहीं अपनों से करो। जहां उसने ये बात सुनी कि मुझे युद्ध दुश्मनों से नहीं अपनों से करना है, वही उसके जीवन में भ्रांति मोह आ गया। उसके बाद उस पर उसको भगवद गीता का उपदेश किया गया। यदि ये बात स्पष्ट हो गई हो तो ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या वैसी ही है जैसे वैक्सीनेशन। यहाँ आने के पहले कल रात को हमारे मित्र है बेंगलोर में, डॉक्टर है, उन्होंने मुझे वो स्वाइन फीवर का वैक्सीन दे दिया। बोले स्वामी जी आप दुनिया में भटकते रहते हो, अच्छा रहता है कि साल में एक बार लिया करो। हमने कहा लगाओ, शरीर तुम्हारा है, इंजेक्शन तुम्हारा है, लगा दिया। इससे क्या होगा? बोले इसे ये होगा कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे हमेशा, कहीं भी चले जाओ। तो ये बाहर से दवाई अंदर ठोकी जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको वैक्सीन कहते। इसी प्रकार से जीवन में आने वाली हर एक समस्या हमारे जीवन में वैक्सीन के तौर पर है,
अब ये वैक्सीन क्या करता है, शरीर में उस रोग के विरोधी जो एंटीबॉडीज है वो तैयार करता है, और यदि रोग आ जाए तो ये एंटीबॉडीज उस रोग का निवारण करती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली समस्या हमको तैयार करती है। जिसके जीवन में समस्या नहीं आती वो मुर्दा है, मुर्दे के जीवन में समस्या नहीं आती। समस्या आवश्यक है तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। देखो ऐसे समझ लो, आपने सपने तो देखे होंगे कहीं, बहुत बढ़िया सपना समझो आपका चल रहा है, आप एक बढ़िया मोटरसाइकिल पर बैठे हो, पीछे में आपके फ्रेंड बैठे हैं, और आप बढ़िया स्विट्जरलैंड में चले जा रहे हो, बढ़िया गाना गाते गाते। ऐसा सपना कभी टूटेगा नहीं। फिर उसी सपने में आपकी मोटरसाइकिल एक गड्ढे में जाके गिरी, उसी समय हाँ निकल आए। अब ध्यान से सुनना, सपना मिथ्या था, सपना की मोटरसाइकिल मिथ्या थी, पीछे बैठी हुई लड़की मिथ्या थी, घूमना मिथ्या था, मजा मिथ्या था, आनंद मिथ्या था, और उसका एक्सीडेंट भी मिथ्या था। लेकिन मिथ्या सपने से हटने के लिए मिथ्या एक्सीडेंट की ही आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब तक के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आई डोंट ट्रस्ट इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु नीड्स बिलीफ इन गॉड, गॉड डजंट नीड, यह अपनी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता हमको दिलाने के लिए भगवान हम पर बड़ा अनुग्रह करके ऐसी समस्या निर्माण कर देते हैं कि हमको चिंतन करना, विचार करना आवश्यक हो जाता है। देखो अविचार कृतो बंधहा विचारेण निवर्तते, जितनी समस्या है वो विचारों की अपूर्णता की है। अविचार माने विचारों की अपूर्णता। जहां विचारों में पूर्णता आ जाएगी आप देखेंगे समस्या नहीं है। जब हम एक देशीय विचार करते हैं तब समस्या होती है। और इसीलिए यह जो अर्जुन की समस्या प्रथम अध्याय में दिखाई है वो यही दिखाई है। उसके सामने भगवान ने समस्या निर्माण कर दी, तब जाकर के वो रोया धोया और फिर उसने कहा कि भगवान धर्म सम्मूढ़ चेताम, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं मेरा क्या धर्म है। फिर भी भगवान कुछ बोले नहीं, फिर कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं मुझे आप आज्ञा करो। अर्जुन और भगवान कृष्ण एक दो दिन साथ नहीं थे, सालों साथ में रहे, कभी नहीं पूछा हे कृष्ण हे यादव हे सखा, दोस्त बन करके रहे, तत्व की बात कौन पूछेगा। और भगवान अपने हृदय का आनंद अर्जुन को देना चाहते थे लेकिन वो लेने को तैयार ही नहीं। देखो हम लोगों की स्थिति कैसी है, आपने कहीं देखा होगा, अपने रायपुर में बहुत मिलेगा देखने के लिए, कहीं एक सूखी हड्डी पड़ी हो, उधर से कुत्ता आता है, आकर के तुरंत उसको मुंह में उठा के लेगा और भाग जाएगा कोने में जाके बैठेगा, नहीं तो दूसरा कुत्ता देखेगा खा लेगा, और फिर वो सूखी हड्डी को मुंह में डाल करके चबा रहा है, और उसके कारण उसी का मुख अंदर से उस हड्डी के शार्पनेस से खून निकल रहा है, और उस कुत्ते को लगता है कितना मजा आ रहा है, कैसे बेवकूफ है यहाँ के कुत्ते, इतना बढ़िया हड्डी पड़ा था किसी ने लिया ही नहीं, मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ। इसी प्रकार से हम आनंद जो है अपना है कल्पना करते बाहर से आता है। ध्यान से सुनो, इच्छा की पूर्ति का आनंद कहां से आता है। हमको सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पोथी करके चाय पीने की बहुत जबरदस्त आदत लगी हुई है। हम जहां भी जाते हैं वहां बंदोबस्त करवा देते हैं, भाई कुछ करो ना करो, सुबह चाय के लिए केटल पानी और चाय की पत्ती रख दो, हमको दूध नहीं चाहिए चीनी नहीं चाहिए। तो सुबह हो गए
समय हमारा हो गया, मन ने जब शुरू कर दिया टी 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 टी, बड़े विक्षेप, और जब चाय मिल जाती है, हा ब्रह्मानंदम परम सुखदम, फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब चाय नहीं थी तो मैं दुखी था, चाय मिल गई तो सुखी हो गया, इसीलिए सुख चाय से आया। लेकिन बेवकूफी ये है हमारी, यदि चाय में सुख होता तो हर एक व्यक्ति को चाय पीने के बाद सुख होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे अग्नि में जलाने की क्षमता है तो कोई भी व्यक्ति अग्नि को हाथ लगाएगा तो जलेगा ही, इसी प्रकार से यदि चाय में खुशी होती, आनंद होता, तो हर एक को चाय पीने के बाद सुख होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, मैं अपने अनुभव को कैसे त्याग सकता हूं, मुझे तो आनंद आया, फिर चिंतन करें तो पता चलेगा विक्षेपित मन दुख है, विक्षेप रहित मन आनंद है। तो सुख दुख बाहर नहीं है, अपने ही मन की स्थिति है। जिस दिन ये आप बात पकड़ लोगे तो जगत में रहते समय हमको हमेशा अपने मन का ध्यान रखना है। किसी ने कहा, स्वामी जी कौवा आपका कान ले गया है और दौड़ रहे उसके पीछे, अरे देख तो लो, देखो महाराज। अब ऐसा जब चिंतन शुरू हो जाता है तब तो ऐसा व्यक्ति फिर जानना चाहता है और कि कस्त्वं कोहं कुतमायातः कामे जननी कोमेतातः, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या रूप है, मेरे कौन माँ बाप है, मैं कौन हूँ। ऐसा जब चिंतन शुरू हो जाता है ना तो आपको एक बात स्पष्ट अपने आप प्रकट हो जाएगी, विचार हमेशा अन्य के बारे में होते हैं। जैसी आंखें अन्य को देखती है, स्व को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से विचार अन्य के बारे में होते हैं। पहली ये बात समझ में आएगी। दूसरी बात, विचारों का मूल एक व्यक्तित्व का बीज होता है। हम सभी के सभी विचार जो करते हैं ना, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये बनने के बाद विचार करते हैं। कुछ बनो मत, दो क्षण के लिए आप एक्सपेरिमेंट करो, पति या पत्नी बनो और देखो आपके विचार कैसे हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, माँ बाप या बच्चे बनो और देखो विचार कैसे हैं, किसके हैं। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। अब ये तीन एक्सपेरिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे। जब आप पति पत्नी बने थे तो विचार आ रहे थे पत्नी पति के बारे में, जब आप माँ बाप बच्चे बने थे तो विचार आ रहे थे बच्चे माँ बाप के बारे में, जब आप कुछ भी नहीं बने कोई विचार नहीं, तो सिद्धांत क्या हो गया, विचार हमेशा बीज से उगते हैं। प्रकृति में विचार नहीं होते, मन में विचार नहीं होते। देखो महाराज, बहुत बढ़िया जमीन है लेकिन उसमें बीज नहीं है तो पौधा उगेगा क्या, और पौधा जमीन का नहीं होता
देखो एक बार अमेरिका की बात है, वहां के एक सज्जन ने हमको कहा कि आप लोग इंडिया में बाप के नाम को इतना क्यों महत्व देते हो, हमारे यहाँ तो केवल हॉस्पिटल में भी केवल माँ का नाम लिखते हैं कि ये बच्चा इस माँ का है, बाप का नाम लिखने की क्या जरूरत है। हमने कहा इसलिए जरूरत है, हमारे यहाँ मालूम होता है बाप कौन है। इसीलिए लिखते हैं, मालूम है। फिर मैंने उनको पूछा कभी ऐसा देखा है क्या कि ये बच्चा सांड का है? कहते गाय का बच्चा है, कोई नहीं कहते सांड का बच्चा है। कारण क्या कि सांड से पैदा मालूम ही नहीं कि हम मनुष्य में मालूम होता है या होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सीड होगा वहीं से पौधा आएगा। एग्जैक्टली उसी प्रकार से सीड क्या है, बीज क्या है, ये व्यक्तित्व है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, यहां से विचार आते हैं। तब समझ में आता है कि हम कहां फंसे हैं। देखो संतो, और ये सब का सब विषय जो है 15वें अध्याय में विस्तार से लिया है। तो प्रथम अध्याय में ये बताया कि हमारी जीवन में आने वाली समस्या जो है, हमारे जीवन की धारा जो बहिर्मुखी थी उसको उल्टी करके अंतर्मुखी बनाते हैं, इसीलिए धारा को ही राधा कहते हैं। जीवन में राधा रानी का आगमन माने अब हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई है, अब बोध हो गया दुनिया के बारे में। फिर दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को लताड़ते हैं कि तुम बातें तो बड़े ज्ञानी की कर रहे हो लेकिन रह रहे हो बेवकूफ के जैसे। फिर सत्य क्या है, फिर भगवान बताते हैं तत्व की बात, लेकिन अर्जुन की कोई समझ में नहीं आती। फिर अर्जुन को बताते हैं, देखो अर्जुन तुमको मैं एक टेक्निक बताता हूं। टेक्निक ये है कि जैसे सब्जी काटने की टेक्निक क्या है, ऐसी सब्जी काटो कि आपकी उंगली ना कटे। इसी प्रकार से जगत में जियो लेकिन ध्यान रखो मन के संतुलन पर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। आप जगत में जीवन में कुछ भी करो तो उसके तीन परिणाम है, या तो आप जीतोगे या हारोगे। जीत गए तो लाभ है, हार गए तो हानि है। यदि लाभ हुआ तो सुख है, हानि हुई तो दुख है। भगवान कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं में मन के संतुलन को नहीं खोना। समय कृत्वा, ठीक है कभी जीत है कभी हार है, यही तो जीवन है। ऐसा करने का तात्पर्य जगत में रहते हुए अपने मन पर जगत के राग या द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होने देने। पाप यही है। निष्पाप अंतकरण क्या होता है, जैसे दर्पण हो, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु व्यक्ति चला जाए तो किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी को पकड़ के भी नहीं रखता। इसी प्रकार से जगत में ऐसे रहे कि अपने मन का संतुलन समता बनी रहे। इसके लिए क्या करना है, फिर भगवान उत्तर देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते इस श्लोक के द्वारा। हमको जगत में कुछ करना है नहीं करना है, चॉइस कहाँ है, वी हैव नो चॉइस। तो कैसे करें, भगवान की टेक्निक देखो कितनी सुंदर है। हम जो भी करते हैं या नहीं करते दुनिया में केवल सुख के प्राप्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं सुख के प्राप्ति के लिए कुछ मत करना, फिर सुख को प्रकट करने के लिए करना। कितनी महत्व की बात है। कैसी, पहली बात हमको अभी रहने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम कल नहीं जी सकते, आने वाले कल नहीं जी सकते, जी सकते अभी। जितने भी कर्म करेंगे वो अभी ही होंगे,
तीसरी बात, यदि कर्म करते समय उसके माध्यम से आनंद प्रकट हो गया तो हमारे जीवन में दुख के आने की संभावना ही नहीं है। हो गया कर्मयोग। तो जिसके माध्यम से, जिस कर्म के माध्यम से, फिर चाहे शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, यदि इनके माध्यम से आनंद प्रकट हो गया है तो आपने सब कुछ भगवत गीता का समझ लिया। ऐसा करने से क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर रहेगा। जिसको अर्जुन का शब्द है स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा माने समझदारी, हमेशा ठीक रहेगी, कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जिसकी समझदारी ठीक है उसके लिए फिर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं क्या? और फिर वो आदमी दुनिया में कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, बताइए। भगवान ने चार प्रश्नों के उत्तर देते हैं द्वितीय अध्याय में। उसके बाद तीसरा अध्याय आता है, उसमें कर्मयोग की बात बताते हैं कि आपको ये चॉइस नहीं है कि मैं कर्म करूं या नहीं करूं, चॉइस नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी तो कर्म ही है। कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्ता जुड़ जाता है तो उसको कर्म कहते हैं। तो मैं कुछ करूंगा ये भी कर्म है, मैं कुछ नहीं करूंगा ये भी कर्म है। जैसे देखो आज एकादशी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कर्म है। आज एकादशी है, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए था लेकिन गलती से खा गया, अब क्या हो गया, ये भी कर्म हो गया। इन खाना पेट में गया, जाने के बाद मैं डाइजेस्ट करूंगा मैं नहीं करूंगा, कोई चॉइस है क्या? और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है, डिसेंट्री हुई तो पाप है। देखो महाराज, तो जैसे जैसे ये बात सूक्ष्मता से समझ में आते हैं तब हम चौथे पांचवें अध्याय से जाकर के छठवें अध्याय में पहुंचते हैं और वहां फिर हमको बताते हैं। देखो मन के संतुलन को हमेशा बनाए रखना, इसी को योग कहते हैं। जीवन में दुख आएगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, सभी साधु संतों के जीवन में भी बहुत दुख थे लेकिन वो कभी दुखी नहीं हुए। तो साधना योग की क्या हो गई? जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी जब हम दुखी होने से इनकार करते हैं तो हम बड़े योगी हैं। देखो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख प्रसंग, दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी नहीं होने का निर्णय लेकर के जो डटा रहता है उसकी ये क्षमता को योग कहते हैं। नहीं तो हम लोग छुई हुई है, किसी ने कह दिया कि तुम बेवकूफ हो गया, मूड ऑफ, उसको डांटो, बोला डोंट अंडर एस्टिमेट मी, तुमने मेरी बेवकूफी देखी नहीं। और देखो महाराज, छोटी छोटी चीज में जो दुखी होता है ना वो महाबेवकूफ होता है। एक और सिद्धांत आपको बता दे, ट्राई करो, जो अन्य के कारण दुखी होता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कैसे? एक बार एक लड़के ने हमको किसी एयरपोर्ट पर पूछा, मिला कहीं तो भी, कहता है कि स्वामी जी मैं आपको हमेशा देखता हूँ टीवी पर, यूट्यूब में, मुझे एक हमेशा बात आपको देख के लगती है मन में, आप इतना दुनिया में घूमते हो, लोगों को बताते हो लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता क्या? जैसे माँ बाप बच्चों को बताते हैं, बच्चों ने नहीं माना तो दुख होता है, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, बेवकूफ दुखी होते। बोले क्यों दुखी नहीं होते आप? हमने कहा देखो तुमको मालूम है क्या डॉक्टर लोगों की प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु रोगिणः, तभी तो वो जिंदा रहेंगे। हमारी भी वैसी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, सब के सब दुखी रहे तब हमारा मार्केट बना रहेगा। देखो संतो, किसी अन्य के कारण कभी दुखी मत होना।
अन्य के कारण यदि वो दुखी है आप दुखी मत होना, फिर उसको दुख के निकालने की यदि वो चाहे तो प्रयत्न करना। किसी के दुख को मिटाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज द राइट टू बी मिजरेबल। कंटिन्यू तथा देखो संतो, ऐसा करते करते हमने तीन बातें करी पहले 6 अध्याय में। पहली बात ये करी कि हमने ये समझ लिया जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रसंग हमारे उद्धार के लिए होते हैं। दूसरी बात ये समझ ली कि साधना का तात्पर्य मन के संतुलन को बनाए रखना। तीसरी बात ये समझ ली है कि हमारे दुख का कारण हमसे अन्य कोई नहीं है। इसके पश्चात अब इस मैं का क्या करें। फिर 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक एक बात महत्व की बताते हैं, इस मैं को परिमार्जित करने के लिए इस मैं को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो। मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी रहे, एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हमेशा मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। देखो महाराज, जितने भी घरों में ये पति पत्नी के झगड़े होते इसी कारण होते हैं। एक बार की बात है, पति महाराज कुछ अखबार पढ़ रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे और पत्नी बोली जा रही, सुनो मैं सोच रही हूं कि अपने बाल काट लूं। हाँ कटवा लो, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारी इतने लंबे अच्छे बाल है, काटने नहीं चाहिए, मत काटो। लेकिन आजकल की फैशन चली है ना कि सभी के तो छोटे बाल होते हैं, तो मैं क्यों नहीं काटो, काटो। लेकिन फिर मम्मी को दुख होगा तो क्या करो, मत काटो, काटो मत काटो, काटो मत काटो, काटो चल रहा चल रहा। फिर उसने कहा अच्छा छोड़ो बात को, सब्जी किसकी बनाओ काटो, किसकी नहीं बनाओ मत काटो। सुन कौन रहा है। देखो महाराज, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना है दुनिया के, ये दुनिया ऐसी की ऐसी है। तो फिर अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर देना, माने जगत में किसी के साथ कोई आर्गुमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं। हमको जब कोई प्रश्न देते पूछता है ना, तो हम हमेशा एक ही बात बताते, देखो हम बोलेंगे, लेकिन हमारा सिद्धांत है नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। यदि आप डिस्कस आर्ग्यूमेंट करोगे तो हमको बोलना नहीं आपसे, कोई जरूरत नहीं। मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, हम जबरदस्ती नहीं करते किसी पर। इन शॉर्ट, अपने मन को शांत रखना है और मन को शांत रखने के लिए शांत वस्तु का ही ध्यान करना है। देखो आप कल्पना करो, आप रावण का ध्यान कर रहे हो तो शांत रहोगे। और यदि आप भगवान राम का ध्यान कर रहे तो शांत रहोगे। देखो महाराज, जैसा विषय वैसी मन की स्थिति। तो ये 12वें अध्याय में इतना पूरा कर लिया। फिर 12वें अध्याय में जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए उसके लक्षण बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, 20 लक्षण बताते हैं। तो यह जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कैसे 9वें अध्याय में बताते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब समान है, कोई अलग नहीं है, सब ठीक ही है। अब ध्यान से सुनना ये भगवान के शब्द, मेरे लिए सब समान है, कोई मेरे लिए प्यारा नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। ध्यान से सुनना, इसका अनुभव अभी आपको हो सकता है। हमारी आंखें सभी रूप रंग को देख रही है, दृष्टि को किसी रूप रंग के प्रति राग द्वेष है क्या? दृष्टि सभी रूप को सभी रंग को बिना किसी कारण से केवल प्रकाशित कर रही है। लाल रंग को देखने के लिए आंखों को लाल होने की जरूरत नहीं, पीले को देखने के लिए पीली होने की जरूरत नहीं,
सफेद को देखने के लिए सफेद की जरूरत, क्योंकि दृष्टि के लिए समोहम सर्व भूतेषु, दृष्टि सबके लिए समान है। शब्द हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों के लिए समान है, चाहे डिस्कोर्स हो रहा हो चाहे डिस्को हो रहा हो, कान वही है। मन में अच्छे विचार हो बुरे विचार हो, मन सबके लिए समान है। इसी प्रकार से जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति हो समाधि हो, हमारे लिए चारों समान है। तो ये जो भगवान के शब्द है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये अपने ही है महाराज, बाहर मत ढूंढो कहीं। इस दृष्टि से जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं ना, तब देखो जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। और जब हम इसका ध्यान नहीं रखते और खामोखाम फंसे रहते हैं किसमें, राग द्वेष में। एक उदाहरण हमने दिया था कई बार, हम किसी के घर गए थे, एक जवान कपल शादी होके 2-4 साल हो गए थे, तो जैसे हम उनके घर गए, घर देखा चारों तरफ से और फिर पढ़ रहे थे कुछ, तो वो लड़की कहती है, स्वामी जी हमने देख लिया आपने क्या देखा हमारे घर में। हमने ठीक है मुझे चाय पिलाओ, तो कहती है कि हमने हमारे घर को रंग इसीलिए नहीं दिया कि जब हमने शादी करी थी तब निर्णय लिया था, जब तक दोनों किसी चीज़ पर एग्री नहीं होंगे तब तक नहीं करेंगे। अब मुझे लगता है लाइट पिंक कलर अच्छा, और इनको लगता है लाइट क्रीम कलर अच्छा, हम दोनों की इसमें सहमति नहीं हो रही, इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। हमने कहा देखो हम लोग जो है ना आपको मदद करने के लिए आए हैं, अब मैं बताता हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बीच में मुंह मत मारो, ठीक है। आप ऐसे करो, घर को अंदर से कोल टार का काला रंग दे दो। क्या? नहीं रुको रुको रुको, पति तो पावन सीताराम, तुम बताओ तुमको अच्छा लगता है काला रंग? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता घर से अंदर। बहुत बढ़िया, पत्नी तुम बताओ घर से काला अच्छा? नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। देखो एग्री हो गए ना, अब लगाओ काला। अब मुझे बताओ क्रीम अच्छा है पिंक अच्छा, क्या लॉजिक है इसमें? पूरा जीवन हमारा इसी में जाता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता मुझे वो नहीं अच्छा लगता, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं। देखो संतो, इसीलिए ये 12 अध्याय पूरे होने के बाद अद्वेष्टा किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, समान है सब, जैसे के वैसे ही ठीक है जो है वो ठीक है। फिर हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं महत्व की बात, जो आम जगह आप सुनेंगे नहीं क्योंकि वो बिजनेस के विरुद्ध है। क्या है बिजनेस? हमारा हर देह में एक जीव है, पाप करने से नरक जाएगा पुण्य करने से स्वर्ग जाएगा, इसीलिए पुण्य करो मुझे दान धर्म करो ये तो नरक में जाओगे, बिजनेस है ना ऐसा। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं हर देह में एक जीव नहीं है, बल्कि मैं ही सब में प्रकट हो रहा। देखो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे अर्जुन सभी देह में मैं ही प्रकट हो रहा। तो एक है प्राकट्य और दूसरा जो प्रकट हो रहा है। देखो मन एक ही है, आंखों से प्रकट हुआ तो उसको दृष्टि कहते हैं, वही मन कानों से निकला उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। तो हर इंद्रिय के पीछे अलग अलग मन नहीं है, एक ही चैतन्य। जब पुरुष देह से प्रकट होता है तो दाढ़ी निकलती है, वही चैतन्य स्त्री देह से प्रकट होता है तो दाढ़ी नहीं निकलती है। तो वो चैतन्य जो है ये पुल्लिंगी है स्त्रीलिंगी है,
थिंक, जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब पता चलता है कि हम जो अपने आप को समझ के बैठे हैं, पापो हम पाप कर्मा, हम जीव है, हम मरने के बाद स्वर्ग नरक जाएंगे, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये सब गड़बड़ एकदम खत्म हो जाती है। फिर 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं ये जो पुरुष प्रकृति का विवेक, कौन है पुरुष, कौन है प्रकृति। तो प्रकृति कहते हैं कि तीन है, सत्व, रजस, तमस। तो जब हमारा जीवन तमोगुण प्रधान होता है तब हम जगत के ईंट पत्थरों में फंसे रहते हैं, रजोगुण प्रधान होता है तब कर्म में फंसे रहते हैं, वर्कोहोलिक, और सत्व गुण प्रधान होता है तब हम इस क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। और जो ये तीन गुणों के परे गया है उसी ने तत्व को पहचाना है। यहां 14वां अध्याय पूरा हो जाता है, उसके पश्चात 15वां अध्याय प्रारंभ होता है। और 15वां अध्याय में भगवान 4-5 वस्तुओं का निर्णय करते हैं। पहली वस्तु है ये जगत क्या है, दूसरी वस्तु है साधना किसको कहते हैं, तीसरी वस्तु है जीव कौन है, चौथी वस्तु है परमात्मा भगवान क्या है या ईश्वर क्या है, पांचवी वस्तु है हम कौन है, और अल्टीमेटली अध्यात्म शास्त्र किसको कहते हैं। ये 5-6 वस्तुओं का निर्णय इस 15वें अध्याय में विस्तार से हुआ है। देखो समझो, और इसीलिए इसका अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन नित्य निरंतर करना ही चाहिए। तो भगवान प्रारंभ करते हैं, ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् चंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद विद अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाधिर्निरतं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ये जो तीन श्लोक है इसमें ये जगत क्या है इसका निर्णय भगवान ने दिया है। यह विषय कठोपनिषद में आता है, वहां कहते अदोष्वर्धम प्रसृता तस्य शाखा, जो है ये वैसे के वैसे शब्द भगवान ने वहां से लिए, ईशु शस्त्र सनातनः। तो यह जो जगत है, जगत क्या है, यह ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थ, अश्वत्थ माने ये बड़ का या पीपल का पेड़। जगत कैसा है, ऊर्ध्वमूल अधशाखम, मूल माने कारण, जगत का कारण क्या है, मूल, और ये मूल के ऊपर में कौन है, वो परमात्मा है। देखो, जो दाहिका शक्ति है वो किसकी है, अग्नि की है। अब ये दाहिका अग्नि की शक्ति अग्नि को जला सकती है क्या, नहीं। तो अग्नि क्या है, दाहिका शक्ति के परे है। देखो दूसरा उदाहरण, गन्ना, गन्ने की शक्ति क्या है, मिठास। तो ये मिठाई का या चीनी का प्रभाव गन्ने पर होता है क्या, कभी गन्ने को डायबिटीज हुआ है क्या। देखो ऊर्ध्व मूलम, जगत का जो मूल है इसके परे जो है, यस्तम वेद स वेदविद, जिसने उसको पहचाना है उसी ने वेद के तत्व को जाना है, ऊर्ध्व मूलम। अच्छा, अधशाखम, और ये जगत की जो ये अश्वत्थ वृक्ष है इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है, अधशाखम, और ये अश्वस्थ अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम्, इसको अश्वत्थ कहते हैं। ये देखो, ये जो वटवृक्ष है या पीपल है ना, इसकी सूक्ष्मता आपको बताते हैं, आपको मालूम होगी। वैसे ही यदि आपने अश्वत्थ वृक्ष के फल लिए, सुखाए और उसके बीज निकाले और बीज को बो आप, तो उससे पेड़ नहीं उगता। फिर वही फल जब कोई पक्षी खा जाता है
और खाने के बाद वो फल बीज के साथ उसके पेट में से जाकर के बीट में बाहर आ जाता है, तब वो जो बीज है प्रोसेस बीज, वहां से आपको वृक्ष का निर्माण दिखेगा। इसीलिए आपने देखे होंगे कई जगह में, ऐसे जगह में ये पीपल का पेड़ होता है कि किसने वहां लगाया, वहां कई पुराने जगह चले जाओ आप, कोई पुरानी कॉटन मिल हो, उसका जो ऊपर की चिमनी होती है, चिमनी के ऊपर में पेड़ किसने लगाया वहां, तो वहां जाकर के कोई कौवा या पक्षी बैठा होगा, उसने बीट करी होगी, उसमें से बीज निकला होगा और फिर उसमें से वो निगाए। इसी प्रकार से केवल आदमी को लड़के बच्चे नहीं होते, केवल पत्नी को स्त्री को बच्चे दोनों साथ हो तभी संसार शुरू होता है। परमात्मा में संसार नहीं है, प्रकृति में संसार नहीं है, परमात्मा प्रकृति में इकट्ठी आ जाती है तभी संसार शुरू हो जाता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, आप उसको बदल नहीं सकते, देखो। और पुरुष क्या है? पुरुष में एक भी विकृति नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। अब खिचड़ी क्या हो गई? जो ज्यों का त्यों है उसने ये बदलने वाले प्रकृति के साथ विवाह कर लिया, फिर शरीर बच्चा है तो मैं बच्चा हूं, शरीर जवान है तो मैं जवान हूं, शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूं, शरीर पुरुष का है तो मैं पुरुष हूं, शरीर स्त्री का है तो मैं स्त्री हूं, शरीर गधे का है तो मैं गधा। और जहां सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में देहात्म भाव नहीं रहता, उस समय मैं पति नहीं, पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मनुष्य नहीं, प्राणी नहीं, लेकिन मैं होता हूं। देखो महाराज, ये संसार का वृक्ष जो है ना, इस प्रकार से निर्माण होता है। अदश्वर्धम प्रसृता तस्य शाखा। अच्छा, ये अश्वत्थ जो वृक्ष है, अश्वत्थ माने श्व माने आने वाला कल, अ माने नहीं, जो आज जैसा है वैसा आने वाले कल में नहीं रहता, माने जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है उसको कहते हैं अश्वत्थ। अब और आगे चले जाओ, ऊपर मूल है नीचे शाखाएं है, ऐसे शीर्षासन वाला कहीं पेड़ देखा है क्या? है। अपना देह ऊपर से खाते हैं, नीचे बढ़ते, पेड़ जो है नीचे से खाते हैं ऊपर बढ़ते हैं, प्राणी जो है जानवर जो है सामने से खाते हैं पीछे बढ़ते हैं, आदमी ऊपर से खाते हैं नीचे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये अपनी ही है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम, नित्य निरंतर बदलने वाला है, प्राहुः अव्ययम्, लेकिन हम कहते हैं मैं वही हूं। कहाँ गया बचपन का देह, कहाँ गया जवानी का देह, कहाँ गया मिडिल एज का देह? कभी इंक्वायरी करिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखना है, मेरा बचपन का देह घूम गया, जरा ढूंढ के निकालो। वो कहेगा पागल खाने चले जाओ, वो ठीक ध्यान तुम्हारे पास। देखो संतो, इसीलिए ये जो कहानी है बाहर मत देखना, ये अपनी ही कहानी है। अव्ययम छन्नांसी यस्य पर्णानि, और ये हमारा जो अश्वत्थ वृक्ष जीव है, देह है, जीवन है। छन्नांसी यस्य पर्णानि, किसी भी पेड़ का सौंदर्य उसके पत्तों के कारण होता है। यदि किसी पेड़ में फूल नहीं लगे तो चल सकता है, फल नहीं आए तो चल सकता है, लेकिन कोई पेड़ खड़ा हो उसको एक भी पत्ता नहीं हो तो कैसा मरा मरा सा लगता है ना। इसी प्रकार से हमारे जीवन के वृक्ष का जो वृक्ष की जो पत्तियां है वो क्या है? छंदांसी माने शास्त्र का अध्ययन करना, तब जीवन के वृक्ष का आनंद है। देखो घर में बड़े लोग क्या पढ़ते हैं, क्या
देखते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर होता है। माँ हमेशा ईव्स वीकली, काउज वीकली, बफेलोज वीकली देखती रहे तो बच्चे क्या देखेंगे। लेकिन यदि घर की माताएं यदि नित्य निरंतर पूजा पोथी कुछ गीता का अध्ययन कर रही है, चैंटिंग हो रहा है, उसका प्रभाव अपने आप बच्चों पर होने लग जाता है। देखो एक जगह पति पत्नी बहुत भयानक झगड़ा करते थे और कोर्ट में पहुंच गई केस, बच्चा भी था वो भी चला गया और जज ने सबका सुन लिया। सुनने के बाद वो बच्चे को कहा कि बेटा तुमने सब सुन लिया है, मैंने हाँ सुन लिया है, अब इसका निर्णय तुम करो, मैं कुर्सी से हट जाता हूँ, तुम मेरे कुर्सी पे बैठो। उसको बैठा दिया और कहा अब तुम निर्णय करो क्या करना चाहिए। उस बच्चे ने निर्णय दे दिया, इन्होंने झगड़ा छोड़ देना चाहिए। कितनी सिंपल, कहाँ फंसे हैं आप। चंदाव से प्रणाय यस्तम वेद सवेदवित, जिसने इस तत्व को पहचाना है हम स्वरूप से आनंद स्वरूप है, दुखी नहीं है। तो जिसने अपने आनंद स्वरूप को पहचाना है वही साधक है, बाकी संसारी है। चंदासी यस्य प्रणानी यस्तम वेद सवेदवित, और फिर ये जो वृक्ष है अधश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाद, इस वृक्ष की भिन्न शाखाएं इसका विस्तार इत्यादि का क्या अर्थ है हम कल के सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।